तो इस वीडियो में मैं दो काफी बड़े अपडेट्स को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो सुमित राठी का जो ट्रांसफर डील है वो काफी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है अभी, क्योंकि सबसे पहले तो सुमित राठी के ऊपर एफसी गोवा ने इंटरेस्ट दिखाया था सीजन के स्टार्ट में। बात वर्बली एग्रीमेंट भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद सुमित राठी वहां से निकल आते हैं, क्योंकि लाइक यू नो उनको थोड़ा सा एक डाउट था कि क्या उनको गोवा में भी प्रॉपर प्ले टाइम मिलेगा या नहीं। तो उसके बाद ईस्ट बंगाल आया बीच में, एंड ईस्ट बंगाल ने इंटरेस्ट दिखाया सुमित राठी के ऊपर, और ईस्ट बंगाल करेंटली बात करें सुमित राठी के साथ। अब यहाँ पे अगर हम लोग एफसी गोवा का पॉइंट देख ले, तो एफसी गोवा का ये कि अगर सुमित राठी गोवा में नहीं आना चाहते तो वो दूसरे प्लेयर्स को लाइक देखें, क्योंकि किसी ऑलरेडी संजय सिंघन है गोवा में, और अगर लाइक वो ट्राई करे कि सेवियर गामा को होल्ड रखा जा सके, क्योंकि सेवियर गामा का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैरलो मार्कस रोग इतना पता है, और वो नए यंग प्लेयर्स के ऊपर अभी तक तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया भी है, तो वो भी काफी ज्यादा सही है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग स्पेसिफिकली सुमित राठी की बात करें तो वो ईस्ट बंगाल में ज्वाइन हो सकते, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि लाइक अगर वो लाइक मोहन बगान में रहते भी है तो उनको उतना ज्यादा प्ले टाइम मोहन बगान में ऑफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मोहन बगान में जगह नहीं है उनको मौका मिलने का। लास्ट सीजन में उनको ज्यादा कुछ क्या कोई भी चांस नहीं मिला था। लास्ट सीजन उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था, सिर्फ एक प्ले ऑफ खेला था जो कि लाइक कुछ चंद मिनटों के लिए उन्होंने खेला होगा प्ले ऑफ का वो मैच। तो पूरा सीजन बेंच में बैठे रहना एक प्लेयर के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए, स्पेशली सुमित राठी जैसे प्लेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। एंड सुमित राठी के ऊपर लास्ट सीजन भी गोवा ने इंटरेस्ट दिखाया था, गोवा ने बोला भी था कि आपको कुछ ना कुछ नहीं मिनिमम 10 मैचेस में आपको खिलाया जाएगा, इतना तक गारंटी दिया गया था, मतलब प्ले टाइम ऑफर करने का पूरा प्रॉमिस उनको किया गया था। अब प्ले टाइम वाला जो मैटर है कॉन्ट्रैक्ट में वैसे लिखा नहीं, जैसे कोई भी क्लब नहीं लिखेगा, बट फिर भी उनको बोला गया था, बट सुमित राठी ने तब मोहन बगान में रहना ही ज्यादा प्रेफर किया। लेकिन लास्ट सीजन के बाद से जहां पर उनको बिल्कुल भी प्ले टाइम नहीं मिला है, लाइक वो 2-3 मिनट खेलना उसको प्ले टाइम में कंसिडर में नहीं करूंगा, तो अब वो सोच रहे कि वो नए क्लब में जाएंगे। अब गोवा तो रेस से थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ साइड हो जाए, क्योंकि गोवा ने बोला है कि अब एस बिकॉज वो प्लेयर खुद लाइक दूसरे क्लब में जाना चाहते हैं तो गोवा के पास दूसरा ऑप्शन है मेरलो मार्कस रोका। इन सारे मामलों में काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर एक प्लेयर वो उनको पता है कि यार चांसेस कम है तो वो दूसरे प्लेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड अभी तो मेरलो मार्कस रोका ट्राई करें कि जो जो ऑलरेडी जो प्लेयर्स है उनको होल्ड किया जा सके। तो सुमित राठी का क्या होगा अभी, ये थोड़ा सा टफ है, बट हाँ ईस्ट बंगाल है इस रेस में, सो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इसी के साथ साथ प्रीतम कोटाल का भी एक ट्रांसफर अपडेट आया है, तो फाइनली प्रीतम कोटाल ने वर्बली एग्री कर लिया है केरला ब्लास्टर्स के साथ। लेकिन अभी भी यहाँ पे भी एक कैच है, मोहन बगान इतना इजीली प्रीतम कोटाल को जाने नहीं देंगे। ऑलरेडी प्रीतम कोटाल का जो कॉन्ट्रैक्ट है मोहन बगान में वो अभी भी बाकी है, और लाइक सिर्फ 24 तक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 25 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये भी थोड़ा सा इसमें भी काफी सारे डिटेल्स है, तो पहले तो प्रीतम अगर हम लोग बात कर ले तो मोहन बगान के प्रस्पेक्टिव से पहले देख लेते हैं। तो होलमयपम रुइवा ऑलरेडी काफी अब समझ सकते हो कन्फर्म हो चुका है, लेकिन अभी मोहन बगान ने डिमांड किया कि ठीक है आपको प्रीतम कोटाल चाहिए, आपको एक ट्रांसफर फी देना होगा, और उसी के साथ साथ जैक्सन सिंह का भी एक ट्रांसफर करवाना होगा, जो कि केरला काफी ज्यादा अभी सोच रहा है कि यार लाइक सी दोनों प्लेयर्स ऑलरेडी होलमयपम रुइवा जा चुके हैं, वो पर्सनल टर्म्स में एग्री हुआ है, वो काफी अलग, उसको इस डील के अंदर हम लोग नहीं पकड़ सकते, लेकिन केरला को तो होल्ड करो क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं। होलमयपम रुइवा जैसा टैलेंटेड सेंट्रल बैक पोजिशन का प्लेयर उनके हाथ से निकल चुका है, अब उसके बाद जैक्सन सिंह जैसा यंग डिफेंसिव मिडफील्डर भी जाने वाला है, तो केरला को सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि एक प्रीतम कोटाल के लिए, क्योंकि प्रीतम कोटाल अनडाउटेडली इंडिया में खेले जाने वाले काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन फिर भी सिर्फ प्रीतम कुटाल की वजह से ये दो प्लेयर्स को रिलीज करना वो उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाता। अब जैक्सन सिंह लाइक यू नो इसी की वजह से अभी लाइक मोहन बगान ने ऐसा वो ऑफर रख रहे मोहन बगान, क्योंकि मोहन बगान खुद चाहते हैं कि ऑलरेडी उनके पास होलमयपम रुइवा है, तो प्रीतम कुटाल को वो होल्ड करना ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, और उसी के साथ साथ अनवर अली भी है, तो दो इंडिया के टॉप टू यंग डिफेंडर्स अभी मोहन बगान में। अब प्रीतम कुटाल एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि ये दोनों यंग प्लेयर है और प्रीतम कुटाल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी ज्यादा काम में आएगा, लेकिन प्रीतम कुटाल खुद केरला में जाना चाहते, तो इसी के वजह से अभी दोनों क्लब्स के बीच में बात चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। मोहन बगान के पास थोड़ा सा एक अपर हैंड है इस डील में, क्योंकि मोहन बगान ने ऑलरेडी एक प्लेयर का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब प्रीतम कोटाल को अगर वो जाने भी दे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जैक्सन सिंह के बदले में ये डील होता है तो केरला के लिए मेरे प्रोस्पेक्टिव से तो ग्लॉस मेकिंग डील होगा। एंड इस डील के बारे में आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या केरला को प्रीतम कोटाल के लिए जैक्सन सिंह को छोड़ना चाहिए नहीं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो ये था आज का वीडियो, एंड आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड मैं साथ तब तक के लिए बाय।